अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। देखिए, मैंने 1 किलो तक के चिकन लिया है। उसमें मैं देखिए मैं अनियंस फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स। अनियंस को फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मसाला हरा मसाला पीसा है, ग्राइंड किया है, जिसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने पीस के लिया है इसका पेस्ट बनाकर। और फ्रेंड्स, अभी हमारे और अनियंस है जिसे हमने मसाला बघारने के लिए लिया है। फ्रेंड्स, आप कम से कम 1 किलो चिकन पुलाव में हमें 1/2 किलो कांदा तो लगेगा। और फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। अभी ये हमारा कांदा फ्राई नहीं हुआ है बराबर से, इसे अच्छी तरह से फ्राई करके फिर हम निकालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अनियन मेरा ये देखिए ब्रिस्ता हो गया है। और अब हम ऑयल गरम हो रहा है हमारा चिकन को। देखिए फ्रेंड्स, चिकन को मैंने गरम तेल में डाल दिया है, बस इसका कलर चेंज होने के लिए, ताकि इसका जो भी स्मेल है वो जल जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद में हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना रहेगा। ये देख सकते फ्रेंड्स आप, बस इसे नॉर्मल सा हमें इसमें फ्राई करके निकाल लेना है, ताकि ये मसाले में अच्छी तरह पकेगा तो इसे ज़्यादा नहीं गलाएंगे और इसे इसका जो महक है वो भी नहीं आएगा। बस इसके लिए हम इसे यूँ फ्राई कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा गलने नहीं दिया है हमने, कलर चेंज होने तक ही हम इसे पकाए हैं। ये देखिए, अब फ्रेंड्स चलिए हम मसाला मिलाते हैं मसाला बघार के। फ्रेंड्स, उसी तेल में मैंने अनियन डाल दिया है। अब अनियन थोड़ा अच्छे से पक जाए, इसमें हम थोड़े से गरम मसाले शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बड़े बर्तन में ले लिया है क्योंकि मुझे बड़े बर्तन में पुलाव बनाना है। इसके लिए मैंने अनियन और सारे अच्छे मसाले मैंने बड़े बर्तन में ले लिए हैं। और अब ये देखिए कांदा लाल हो गया है। अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं प्याली को अच्छी तरह धुल के उसके ये मसाले पूरे इसके में डाल दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा ये इसके भुनने दूंगी। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ, करीब 1 से 1.5 चम्मच। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 2 टमाटर भी शामिल करेंगे। ये 1 प्याली दही है और थोड़ी सी कोतमीर
जो हमने ऊपर से डालना है बाद में। चलिए अब टमाटर को हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे मोटा मोटा सा टमाटर हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इस पोजीशन पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन हमने डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसे हम मिलाकर और इसके बाद में हमने इसे थोड़ा सा भूनकर इसमें हमने देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अभी तो थोड़ा तो ये बनी पक चुका है और थोड़ा अभी इसमें मसाले में पक जाएगा और अभी चावल भी शामिल करना बाकी है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें टमाटर जो हमने कटिंग किया था मैं इसे शामिल कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे हमने थोड़ा सा भून लिया है और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। अभी मैं इसमें 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें मुझे चावल भी शामिल करना है, इसकी वजह से नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें। मसाला भूनने के वक्त में अगर आप नमक डालते हैं मसाला डालने के ही टाइम, तो आप चावल शामिल करते वक्त एक बार टेस्ट कर लें ज़रूर, ताकि आपको पता चल जाए कि नमक का नमक कम है कि नहीं। अगर कम है तो आप जब चावल डालते वक्त ही चेक करके डाल सकते हैं, और क्योंकि बाद में पुलाव में नमक नहीं डाला जाता है और इसी तरह से वो अच्छा लगता है कि नमक पूरी तरह उसमें भीग जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये देखिए मैंने चावल धुल के रखा है और अब मैं इसे इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और जो बाउल में मेरे लगे हुए थे चावल वो भी धुल कर मैंने इसमें डाल दिया है। पानी आप बहुत ज़्यादा ना डालें, बस आप अपने हिसाब से जितना आपको चावल पक जाए बिल्कुल अच्छी तरह उतना ही पानी डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बस मैंने कलछा इस तरह से दबाया और यहाँ से पानी ऊपर, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि पानी कलछा हमारा पूरा डूब जा रहा है यहाँ तक, तो अब पानी बराबर है क्योंकि ये देखिए बिल्कुल भी कलछे में चावल नहीं आया। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, पुलाव मेरा रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, हमारी
चिकन पुलाव अलग तरीके से, जिसे मैंने पहले की रेसिपी में बनाया था उससे डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया थोड़ी सा, और बहुत ही खतरनाक, बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। और ये है दही का रायता, ये देखिए सैलेड, इसमें मैंने कांदा कोतमीर और दही, नमक और टमाटर, इसको मैंने टमाटर और अनियंस और टोमेटो को मैंने चॉप्स करा था एकदम बारीक, और उसमें मैंने ये रायता बनाया दही से। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो, चिकन पुलाव रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर देना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।